रउआ के होली के बहुत बहुत बधाई। रउआ के होली खेले के कितना शौक रहे। रउआ हम सबनी जना के होली के रंग में ऊपर से नीचे तक भिगा देते रहे हैं। आज अगर रउआ के हालत ऐसे ना रहते तो रउआ फिर से वैसे ही होली खेलती ना। हमरा मालूम बा कि रउआ के होली खेले के बहुत मन करत हो कि एही से हम रउआ के हाथ से अपना के रंग लगवा लेली। हो गई ना हमनी सन के होली। ये कुल का हा? ओ अम्मा जी, आज होली। तहम रख। आपन बच्चा मुआ देले के बादो तरह के होली सुझत बा और ये निष्ठुर हमनी के जिंदगी के सब रंग छीन के तू चललु होली खेले। लाज नहीं खेवत? हाँ भौजी, हमरो नहीं खे बुझात की तरह होली खेले के का मतलब बा। अरे दुल्हन, भगवान करे तेरा जिंदगी में ऐसे ही रंग भरल रहे। बड़का भैया, रुवासी को बात कहे कर रहा। बोलो। बड़का भैया, हम बहुत दिन से सोचत रहे कि रुआ अपन ब्याह के बाद अपन खर्चा कैसे संभल ले। बड़का भैया, हमार कहे के मतलब ई रहे कि राउत जब ब्याह भेल रहे तो भौजी के कितना खर्चा होत रहे, फिर माने घर गृहस्थी चलाए में। कि राउत जब ब्याह भेल रहे तो भौजी के कितना खर्चा होत रहे, फिर माने घर गृहस्थी चलाए में। वैसे तू ये सब कुल काय पूछत रहा? काय कि बड़का भैया, हमरो तो ब्याह होके जातन, यही से ही सब कुल के जानकारी लेते रही। क्या कि बड़का भैया, हमरो तो रउआ जैसन जिम्मेवार आदमी बने के बानू, तो हमरो सीखे के होनू ये सब कुल के खर्चा कैसे चला जाला। ना तो लोग कही लोग माँ तो ब्याह तो कर लेलस, लेकिन जिम्मेदारी के नाम पे नू जीरो बट्टा सन्नाटा। अरे लेकिन माधव भैया, अब भाई तू बहुत छोट बड़ा हो ये कुल जिम्मेवारी संभारे खातिर, अब वहीं से तहरा के ये कुल के चिंता करे के कोनो जरूरत ना बा, है ना सरकार? अब भाई, हम कोनो मोरगल में निकाल ना। बड़का भैया, तो फिर तहार परिवार भी तो हमरे परिवार है, आ तहार परिवार कोनो हमरा से अलग थोड़े बा। हाँ, अगर हमरा साथ रहे में कोनो परेशानी बा तो कहो ना। बड़का भैया, तो फिर तारा ऐसा चिंता के लिए कोनो जरूरत नहीं है, हम बानी नहीं जा, हम सब संभाल ले। तू अभी से खर्चा की चिंता करके दुबर मत हो का। जा, ब्याह की तैयारी करो। तार बड़ भाई अभी जिंदा बड़ा, तारा ऊपर कुछ हुआ चाहिए, कौनो दुख दर्द कौनो दिक्कत हुई, हम हमेशा तारा पीछे तैयार बनी, तार दुख दर्द तार खर्चा उठाओ खातिर। खुश रहल करो। हमरा मालूम बा बड़का भैया, रउआ हमार सुख दुख में नू
हमेशा खड़ा रहे राव रा बड़की माई के नहीं कृपा बा हमनी पर। वही तलत ससुर का बियाह ना भइल, घर में एगो फूल का माला ना चढ़ा, और भाई से ससुर खर्चा के बारे में पूछा लगला। एकरा के टाइट करे के पड़ी बहुत अच्छा से। कहाँ रख दिले बानी हम? मिलिए गए माई, आज तो हर जरूरत रहे हमरा के माई, तहर ना रहे से हमरा के बहुत अखरेला। बचपने में हमरा के छोड़ के चल गए लू, यही से हमेशा तहर कमी हमरा के महसूस होखेला। जाए के बाद माई हमने के एक घर के बड़ा मुश्किल से बचे ही नहीं। बाकी माई अब हमने के समय बदल रहल बा, हमरा तो विश्वास ही नहीं होता कि हमार माई की कमी हमार सास के रूप में पूरा हो जाए। हम यहाँ टूटल फूटल घर परिवार के छोड़ के एक भरा पूरा घर परिवार में जा रहल बानी बाई, जहाँ हमेशा हमरा सर पर एगो माई के हाथ होके, जौन माई के ममता खातिर हम हमेशा से तरसत रहनी है। अब वो ममता हमरा की उनकरे घरे मिली माई, उनकरा के घरे मिली माई, काश तू हमरे पास होक तू अपन बेटी की आशीर्वाद देके ओकरा के विदा कर तू माई। आज तो हमरा पास हो तू भाई। अरे दिलेन तू अच्छा भेल तू आ गईलू। आवा चंदा खातिर साड़ी मंगवैनी है, तू ही पसंद करके बतावा कि चंदा के ऊपर कौन साड़ी अच्छा लगी। चाची जी रहुआ। अरे बतावा ना दुलेन। आवा हमरा तो बहुत खुशी होत बा कि हमने सबके चंदा के घरे जाए के बा। अरे भूला गए लू का, हमनी के रीत के हिसाब से हमनी सब औरत लोग ब्याह के पहले चंदा के घरे सब कुछ उपहार लेके जाएब सन। चला आवा तू एगो साड़ी पसंद करा अपना देवरानी के ओढ़ावे खातिर।
चाची जी उ हम बोला ना तुलही तहरा कुछ कहे के बाका का सोच रहल बड़ी तुलही ओ बोला ना ना कुछ ना चाची जी हम तो बस यह कहे आयल रहली कि माधव बबुआ के ब्याह की तैयारी में यदि हमार कोनो मदद चाही तो बतैहा बस इतने सुन बात तू तो बस अपना देवरानी के डोली से उतारे के तैयारी में जुट जा चला आवा देखा साड़ी चाची जी कितना खुश बाड़ी हम इनकरा कुछ ना कहब ना तो इनकर दिल दुखी हम चंदा की सच्चाई बता के चाची जी के दिल ना दुखाए तो बाकी हम का करी कपड़ा खातिर इतना और मिठाई खातिर इतना दामाद के मुंह दिखाई खातिर इतना हाँ बेटा हो गल सब हिसाब किताब वो काबर बेटा कि ये जो ब्याह जो बाना बहुत कम खर्चा में निपटता है अरे ये तो हमने घर के देवता पितर के आशीर्वाद बा कि वो लोग मंदिर में शादी करे खातिर तैयार हो गए बाकी अगर वो लोग बारात लेके आज दुहारी पर तब सोच कहा लोकित हमने के है अब कितना बढ़िया आदमी बालू बोलोग कि हमने खर्चा बचा दिलस ना तो इतना पैसा इकट्ठा करत करत हमार तो कमरवे टूट जाए हाँ बाबू जी असल में आशा दीदी के साथ जौन भइल बानू ओकर बाद वो लोग भी कुछ धूमधड़ाका से नेकी करे के चाहत और हमरो धूमधड़ाका पसंद नेखे एकदम सादा सीधी हम नेकी चाहत बाबू जी कि आशा दीदी के दुख के समय में हमने के खुशी मनाए हाँ बेटा हमारा खाली बस यही बात का दुख बा कि हमारा लगे ऐसा कोनो चीज नहीं है जो तोरा के देखे हम थोड़ा सा सुरारी भेज सके बाकी तोरा माई के कुछ गाना बा जो नु तोनी खाती रख ले रहा लिए ये लेके अपना ससुरार जी बेटा ये तोरा माई के अंतिम निशाने और तुर याद बा ओकरा खातिर बेटा ना बाबूजी ये गहना हमरा के ना चाहिए ये गहना हमने खातिर बहुत कीमती बा कैसे माई के निशाने बा और वैसे भी हमने के भाई तो कुसुमिया के ब्याह करे के होई नु तो ओ बखत ओकरा के देवे में काम आई बहू जी हमरा के ना चाहिए बड़ा बोर हो गई ले है ना दीदी माई के ई निशानी तर ही ले जाए के चाहिए ले ले बेटा न तो या गलो का कहे ये कैसन भिकमंगा बाबा जोन अपना बेटी के कुछ ना दिलास और हम इसे हम लेके का करब ये सब तो होने खातिर बाबूजी अच्छा ठीक बा यदि तू कह पड़ा तो हमें एमे से उसी चेन लेके जाए माई और तहार आशीर्वाद के रूप में ये हमरा खातिर बहुत बा बहुत बड़ा हो गई उस तो नहीं के माधव बबुआ ए माधव बबुआ अरे भौजी आओ ना बैठा बबुआ ई लकड़िया से का करत बाड़ा कुछ बनावत बाड़ा का अरे भौजी हम एगो अलमारी बनावत हैं अलमारी काहे अरे भौजी
अभी चंदा के तो आए में टाइम बा, तो हम सोचनी महारानी की तो ढेर कपड़ा लगता होगी, हाँ जैसे सब औरतन के होला, तो गुरु रखे खाती तो जगह चाहिए नू, तो ऐसी अलमारी बना दी कि अपन कपड़ा लगता आराम से रखे। अब देखा ना भौजी, एक बार ठोकते ठोकते हमारे हाथ में चोटो लग गई तरी। चोट? बबुआ, कैसे? तू ठीक बाड़ा ना? तू चिंता क्या करत बरू भौजी? उतनी छोट सुन लकड़ी के चैला फंस गए, तो इमृतिया से हम निकलवा लेनी। अब का बा भौजी, अब ब्याह करे जातनी तो ये सब तो करे के पड़े नू। माधव चंदा के प्यार में इतना अंधा हो गई बा कि यदि हम इकरा चंदा की सच्चाई बताई तो माधव हमार बात ना मानी और ही हम उकरा ऐसन बात से दुख ना पहुंचावे के चाहत हैं, तो का करी अपन बबुआ के बचावे खातिर? यदि हम माधव से बात करे की जगह पे सीधे चंदा से बात करे तब हाँ ये ठीक होगी। हम चंदा से अपन माधव बबुआ की जिंदगी की भीख मांगब, कैसन होगी यदि हम चंदे की कहब की तू ही ब्याह से इनकार कई दा, छोड़ दा हमार माधव बबुआ के पीछा।